And now I'll call the second most popular man in the film, in Bandra, Johnny Balraj, Ranbir Kapoor. आपने ट्रेलर देखा? बहुत अच्छा हुआ। और ट्रेलर में आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अगर वो आपने देखा, वो एक्चुअली ट्रेलर है। आप जब फिल्म देखेंगे और फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे अच्छी कास्टिंग कोई हो नहीं सकती थी। मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ। करण जी को मैं नरेट करने गया था, उसके पहले हम लोग नसीर जी और बहुत सारे अदर दूसरे एक्टर्स से बात कर रहे थे और बातें कभी कंप्लीट नहीं हुई थी। जब मैंने करण को कास्ट किया, पहला मैसेज मुझे नसीरुद्दीन शाह का आया, क्योंकि वो रोल जानते थे। उन्होंने कहा, दिस इज द मोस्ट इंस्पायर्ड कास्टिंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ बिकॉज ही इज योर खम्माटा। ये नसीरुद्दीन शाह ने मुझे मैसेज करके बोला। आई वॉज इंस्पायर्ड एंड चीप बाय द वे, क्योंकि मैंने ये पिक्चर 11 रुपए में की है। मैं ये बार बार कहना चाहूंगा कि I have been exploited। करण हमारे बजट को बढ़ा नहीं पाए। हाँ, मुझे 11 रुपए बाकायदा 11 रुपए का चेक मुझे मिला है फैंटम से, तो इसलिए मैं इंस्पायर्ड हूँ और थोड़ा सस्ता भी। एक्चुअली उस दौरान मैं एक दूसरी फिल्म कर रहा था जो हुई नहीं, तो विकास जो मेरे अजीज दोस्त हैं, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी। उस वक्त आई थिंक अनुराग ये फिल्म किसी और के साथ बना रहे थे, तो आई रेड इट ऑन द प्लेन एंड मैंने खुद अनुराग को फ़ोन किया और कहा कि यू नो आई लव दिस स्क्रिप्ट, आई लव दिस कैरेक्टर, आई रियली वांट टू डू दिस फिल्म। तो अनुराग खुद मुझे बोला कि यार तू तो बहुत मतलब अर्बन टाइप एक्टर है, आई डोंट नो इफ यू विल फिट इन टू दिस पार्ट, सो गिव मी 2-3 डेज, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, लेट मी गेट बैक टू यू। आई हैड टू वेट एंड 2-3 दिन, 2-3 बाद फ़ोन नहीं किया इसने, 1 हफ्ते बाद फ़ोन किया एंड सेड कि सॉरी आई हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम बट आई हैड टू गेट एडजस्टेड टू द फैक्ट कि आई कैन सी यू इन दिस फिल्म। सो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज यू नो बहुत कम स्क्रिप्ट मिलते हैं आपको, यू नो यूजली यू वॉन्ट टू वर्क विद अ डायरेक्टर, यू वॉन्ट टू वर्क विद अ बैनर, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई जस्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली ऑन जस्ट द प्योर बेसिस ऑफ अ स्क्रिप्ट और जो कहानी थी और जो किरदार था सबका। आई थिंक दैट ऑन द मेरिट ऑफ दैट आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म बिकॉज इन दोनों के जो प्यार है वो इतना पैशनेट है। और इनफैक्ट इस फिल्म में जब आप देखेंगे इनकी जो लव स्टोरी है, ये परहैप्स इफ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग सो, ज़्यादातर हमने नहीं देखा है ऑन स्क्रीन जो इनका प्यार है जो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही प्यार फिर इनकी वीकनेस भी बन जाती है बिकॉज देयर इज नो नीड दैट दे हैव फ्रॉम वन अनदर, इट्स अनकंडीशनल लव। तो कभी कभी वो भी उनकी यू नो एक उनकी लाइफ में एक मुसीबत बन जाती है, तभी गाना का नाम है मोहब्बत बुरी बीमारी। सो इट्स मोर लाइक द रेफरेंस टू द फिल्म एंड दैट्स व्हाई द प्ले ऑफ वर्ड्स। एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब जनरली आप देखते हैं जब बड़े बजट की फिल्म बनती है वो जाती है 150-200 दिन में। हमें ये फिल्म जो है अपने टाइट कंट्रोल बजट में खत्म करने के लिए और अच्छे से करने के लिए 75 दिन शूट करनी थी। हम लोग बहुत लंबा शूट करते थे और द काइंड ऑफ कोऑपरेशन आई गॉट फ्रॉम एवरीवन, वी हैव मैनेज्ड टू फिनिश द फिल्म इन 75 डेज। तो वो था, वो दिक्कत हमारी प्रोडक्शन, हमारी असिस्टेंट टीम के लिए थी। जहाँ प्रेपरेशन की बात है, आई थिंक द एंटायर टेक्निकल साइड ऑफ बॉम्बे वेलवेट डिड सो मच ऑफ रिसर्च फॉर 8 इयर्स। जहाँ सेट्स की बात है, जहाँ सिनेमाटोग्राफी है, यू नो इफ यू सी द मेकिंग ऑल्सो लॉट ऑफ वर्क हैज गॉन। सो व्हेन 3 of us केम ऑन सेट इट वॉज वेरी इजी फॉर अस क्योंकि वी वर ट्रांसपोर्टेड इन टू दिस वर्ल्ड ऑफ 50s। वी केम इन हेयर, कॉस्ट्यूम, वार्डरोब एंड इट जस्ट फेल्ड लाइक जो ट्रैम्स बनाए थे, यू नो द जूनियर आर्टिस्ट, इंट्रिकेट डिटेल्स लाइक जो बॉम्बे वेलवेट में जो प्लेट्स थे, नैपकिन्स था, रोजी का जो ग्रीन रूम था उसमें द स्मॉल प्रॉपर्टीज। आई थिंक लॉट ऑफ डिटेलिंग हैज गॉन बाय द टेक्निकल साइड एंड आई थिंक ऑल द रिसर्च वर्क, ऑल द प्रिपरेशन दैट एन एक्टर शुड डू वाज डन बाय देम। सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड अस अ लॉट।